साला तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें बधाई देने आई थी राहुल, पता चला कि तुम मिस्टर अवस्थी के यहाँ असिस्टेंट हो गए हो, बॉबी ने बताया। हाँ माला, I'm sorry, मैं जरा बिजी था। इतने बिजी थे राहुल कि ये बताना भूल गए कि तुम शादी कर रहे हो, बेचारे बॉबी को बताना था। माला, Shut up! मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुम आंचल के साथ शादी कर रहे हो या नहीं। माला, look, please listen. मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए राहुल, मुझे सिर्फ हाँ या ना में जवाब दो। प्यार मुझसे किया और शादी किया मेरे साथ ये विश्वासघात क्यों राहुल? माला, माला प्लीज मुझे गलत मत समझो, मैं अभी भी तुम्हीं से प्यार करता हूँ। तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर रहे हो? मेरी माँ की हालत की वजह से, मेरी बहन की शादी की वजह से और मेरी घर की खुशी की वजह से। माला, अगर मैं आंचल से शादी करूं तो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। आंचल और मैं, हम दोनों ये शादी के खिलाफ है माला, प्लीज बिलीव मी। लेकिन हम दोनों जानते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। हम दोनों डैड की जिद के आगे बिल्कुल मजबूर हैं। डैड तो तुम्हारे डैड है इसके पीछे। अच्छी चाल चल रही है मुझ पर। नहीं नहीं माला, तुम उन्हें भी गलत समझ रहे हो। डैड सिर्फ अपने घर की खुशी के बारे में सोच रहे हैं। नहीं राहुल, मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ। वो तुम्हें इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है और तुम ये सब ले रहे हो। तुम राहुल प्लीज ऐसा मत करो। राहुल क्या तुम्हारे घर वाले इससे खुश हो जाएंगे? राहुल क्या तुम मुझसे प्यार करना छोड़ दोगे, मुझे भूल जाओगे? राहुल प्लीज, हमारी जिंदगी का सवाल है, हम सारी जिंदगी चैन से नहीं जी पाएंगे। प्लीज प्लीज अपने घर वालों से थोड़ा सा वक्त ले लो, तुम्हारी माँ का इलाज हो जाएगा एक अच्छे हॉस्पिटल में, तुम्हारी बहन की शादी हो जाएगी किसी अच्छे घर में। राहुल प्लीज प्लीज टेक सम टाइम। राहुल विल डू समथिंग, प्लीज मेरी बात मानो। राहुल तुम सुन रहे हो? राहुल प्लीज, राहुल आर यू लिसनिंग टू मी? राहुल आज तक मुझसे जो भी कहा था वो झूठ कहा था, झूठ कहा था तुमने। तुमने कभी मुझसे प्यार किया नहीं, धोखा दिया तुमने मुझे, मेरे प्यार को खेल समझा ना राहुल? झूठ बोला तुमने मुझसे। वॉच, आई विल नॉट लेट दिस हैपन। मैं तुम्हारी शादी किसी और से, just watch it, watch. हाँ, अब बताओ क्या बात है? बाबूजी, दरअसल बात यह है कि मुझे वो शादी के लिए कुछ शॉपिंग करनी है और आंचल तो अपने काम में बहुत बिजी है, तो उसको डिस्टर्ब करना तो मैंने ठीक नहीं समझा, और मुझे इन बातों की ज़्यादा समझ है नहीं। तो मैं क्या सोच रहा था, अगर आपको कोई इतराज़ ना हो तो मैं शॉपिंग के लिए अपने साथ अर्चना को ले जाऊँ। मतलब वो अपने पसंद की साड़ियाँ और जेवर वगैरह चुन सकती है। और तुम उसके साथ कुछ समय बिताना चाहते हो?
मेरा मतलब है तुम शॉपिंग के लिए अर्चना को अपने साथ ले जाना चाहते हो, यही ना? जी। अरे तो ले जाओ, इसमें इतनी लंबी चौड़ी भूमिका बांधने की क्या जरूरत थी? तुम मुझे बोलते मैं तुम्हें इजाजत दे देता। अरे ये ठीक है कि मैं संस्कृति, सभ्यता, तमीज ये सब बातें करता हूँ, जो कभी कभी ठीक भी होती है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं कोई पिछड़ा हुआ आदमी हूँ। जाओ तुम ले जाओ अर्चना को और शॉपिंग करो। अर्चना, अर्चना। जी दादी। भाई विश्वाजीत तुम्हें अपने साथ शॉपिंग के लिए ले जाना चाहता है, जाओ तैयार हो कराओ। ठीक है, खुश हो ना? बेटा कितने बच्चों ने पैसे भर दिए अभी तक ट्रिप के लिए? जो लोग जा रहे हैं उन सब लोगों ने पैसे जमा करवा दिए। मामा, आप पैसे कब जमा करवाने वाली हैं? हाँ तो ऋतु, मैंने कब इनकार किया बेटा? मामा लास्ट डेट कल है। कल? मामा दिस इज नॉट फेयर, लास्ट टाइम भी आपने देरी कर दी और मुझे अपना नॉर्थ इंडिया का ट्रिप मिस करना पड़ा। उस वक्त आपने कहा था कि मैंने आपको लास्ट डेट के बारे में कुछ बताया नहीं था। लेकिन इस बार तो मैंने बताया ना, फिर आप ऐसे क्यों बिहेव कर रही है मेरे साथ? देखो ऋतु, अब तुम बड़ी हो गई हो, कुछ सोचा करो। वैसे भी मुझे तुम्हें ट्रिप पर भेजने से पहले बेटा बहुत सी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, और तुम्हारे स्कूल वाले इतने पैसे मांग रहे हैं इस ट्रिप के लिए। फ्रैंकली ऋतु, तुम्हारी पढ़ाई और बोर्डिंग इन सब में बहुत पैसे खर्च होते हैं बेटा। मेरा कभी कोई नहीं सुनता, आप सब लोग एंजॉय करके आ जाते हैं और जब मेरी बारी आती तो मैं यही किए रह जाती हूँ, कुछ एंजॉय नहीं कर पाती मैं। बेटा देखो देखो, तुम रो मत, मैं कुछ सोचती हूँ, ठीक है? तब तक तो हमारी ट्रिप चली गई होगी। ऋतु प्लीज, मैंने कहा ना मैं सोचूंगी। क्या लड़की है ये? इसकी बातों पर मत जाना, ये तो है ही ऐसी, इसे तो बहुत रिच हस्बैंड चाहिए। नॉट रियली, अगर हैंडसम हो और पैसे वाला नहीं भी हो तो भी चलेगा, राइट? यही तो सच्चा प्यार है कि एक दूसरों की निगाहों में निगाहें देख के पूरी जिंदगी निकल जाए, राइट बीना? पर तुमने नहीं बताया कि तुम्हें कैसा हस्बैंड चाहिए। मुझे वेल, तुम्हारी तरह माँ बाप का एक लौता बेटा हो, या बहुत रिच हो, या बहुत गुड लुकिंग हो, ये जरूरी नहीं। हाँ गुड लुकिंग हो मेरे लिए उतना ही काफी है, तो ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें कोई ऐप ना हो, सीधा साधा इंटेलिजेंट। लेकिन अंजलि, तुम्हें ऐसा हस्बैंड मिलेगा कहाँ? कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा, आई एम श्योर अबाउट दैट। पर भगवान ने मेरे लिए भी कोई ना कोई तो बनाया ही होगा। बाय द वे, तुम दोनों बातों नहीं जब एक जगह बैठ जाती हो, टाइम का कोई ख्याल रहता है? तुम्हारी फिल्म। ओह माय गॉड, चलो उठो, चलते हैं। आई एम सो सॉरी, बाय बाय, कॉल मी लेटर। यस श्योर, बाय बाय। सॉरी सॉरी, मे आई कम इन? हां प्लीज। आज ऐसे क्यों देख रही हैं? क्या हुआ इनको? मैं आज तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। जी कहिए। जानते हो हमारे खानदान में एक परंपरा है कि हमें जो चीज पसंद आती है हम फौरन उस पर कब्जा कर लेते हैं, और अगर हमें लगे कि ये पॉसिबल नहीं है तो जैसे बच्चे करते हैं पतंग के सीजन में, कटकर आई पतंग अगर उनके हाथ ना आए तो उसे फाड़ कर फेंक देते, ना मेरी तो ना तेरी। ये सब आप मुझे क्यों कह रही हैं? क्योंकि आज मैं तुम्हें प्रपोज करने वाली हूँ और मैं सोच रही हूँ कि अगर तुमने इनकार कर दिया तो मैं तुम्हारा क्या करूँगी। ऐसा कभी हुआ है कि मैंने आपका प्रपोजल ठुकरा दिया है? राजेश, आई लव यू। हाँ
That's like a good boy. माँ, पानी दो प्लीज। हाँ बेटा। थैंक यू। रितु का फोन आया था? हाँ बेटा, वो ट्रिप के लिए फिर से जिद कर रही थी और जब मैंने मना किया तो रोने लगी। क्या प्रॉब्लम हुई थी? बेटा, स्कूल वाले इतने ज्यादा पैसे मांग रहे हैं। मैं तो क्या हुआ माँ, यही तो उसकी उम्र है घूमने की, नई नई जगह देखने की, नए दोस्त बनाने की, नया एक्सपीरियंस हासिल करने की। माँ, अगर वो बाहर जाएगी तो उसकी पर्सनैलिटी भी डेवलप होगी। तुम्हें पता है माँ, आजकल हर फील्ड में बहुत कॉम्पिटिशन है और मैं ये नहीं चाहती कि मेरी रितु किसी भी बात पर पीछे रह जाए। लेकिन बेटा, खर्चे भी तो इतने हैं ना। माँ, मैं कर लूँगी ना खर्चे, मैं ट्रिप के पैसे भी दे दूँगी। मगर बेटा, तुम इतनी जल्दी कैसे अरेंज करोगी? उसे तो कल ही सबमिट करने हैं ना पैसे। उसके अकाउंट में ही ट्रांसफ़र करने हैं ना। मैं कर लूँगी, तुम सिर्फ उसे फ़ोन करके बता देना। जी हाँ, मैं। मुझे इस तरह यहाँ देखकर चौंक गए ना। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ना कि इस घर में कदम मत रखना, मगर लगता है तुम्हें एक बार कही हुई बात समझ में नहीं आती। तुम्हें तुम्हारी ही भाषा में समझाना पड़ेगा, मुझे अपने स्तर से नीचे उतरकर बदतमीज बनना पड़ेगा। आप तो मेरी नजर में गिर ही चुके हैं, और क्या गिरेंगे। आखिर आपने अपनी मनमानी कर ही ली, राहुल को मुझसे दूर करने का इंतजाम कर लिया। मैंने जो ठीक समझा वही किया है, और मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, हमारे घर की बहू बनने के ख्वाब देखना बंद कर दो। मेरे जीते जी ये मुमकिन नहीं हो सकता। आप इस तरह जिद पर अड़कर राहुल की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। कोई माँ बाप अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद नहीं करता। हम जो कर रहे हैं सोच समझ कर रहे हैं। वो कभी खुश नहीं रह पाएगा। उसकी खुशी देखना हमारा और आंचल का काम है, हमारी जिम्मेदारी है, और हम अपनी जिम्मेदारी से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। उस दिन जब मैं यहाँ आपसे माफी मांगने आई थी तो मुझे अपनी बदतमीजी का एहसास हो रहा था। अपनी किस्मत को कोसती रही कि बार बार मेरा झगड़ा राहुल की डैडी के साथ ही क्यों हुआ। लेकिन अब समझ में आया कि भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। आपसे बार बार टकरा कर झगड़ा करवाकर वो भगवान मुझे ये कहने की कोशिश कर रहा था कि ये आदमी अच्छा नहीं है, समझ जाओ। लेकिन मैं ही नहीं समझ पाई, आपका असली रूप सामने आ गया है और अब आप मेरा असली रूप देखेंगे। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, राहुल की शादी आंचल से रुकवा दीजिए वरना राहुल के दुखों के लिए जिंदगी भर अपने आप को कोसते रहेंगे। हाँ, अच्छा, नहीं 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 नहीं, तुम कुछ बात मत करना, मैं खुद कर लूंगा। ओके ठीक है, ओके ओके। माँ, तुम कब आई? माँ, तुम्हारा यूरोप का टूर तो 15 दिन बाद खत्म होने वाला था। हाँ। तो फिर ऐसे अचानक? मजबूरन आना पड़ा मुझे। मजबूरन? क्या मतलब? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि दुनिया में मैं कहीं भी रहूं, अपने काम की डे टू डे रिपोर्ट मुझे मिलती रहती है। और मैं देख रही हूँ पिछले कई दिनों से तुम्हारा काम पर बिल्कुल ध्यान लग ही नहीं रहा है।
क्या माँ, तुमने भी आते ही काम की बात शुरू कर दी। आज सोसाइटी में हमारी जो इज्जत है, जो हैसियत है, वो इसी काम के वजह से है। और तुम लापरवाही दिखा रहे हो। कंपनी के पूरी काम की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों पे है। पिछले कई दिनों से तुम बिल्कुल काम पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। ऐसी बात नहीं है माँ, मैं रोज ऑफिस जाता हूँ। रोज ऑफिस जाने का मतलब ये नहीं है कि तुम मन लगाकर काम कर रहे हो। हमारे ऑफिस में कितने सारे लोग काम कर रहे हैं, उनका सिर्फ यही मतलब है नौकरी और तनख्वाह। उनके हाथों बिजनेस की बागडोर नहीं दी जा सकती। तुम्हारी लापरवाही की वजह से हमारे कंपनी का कितना नुकसान हुआ है। पता नहीं किस वजह से तुम अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहे हो। मामा, ऐसी कोई वजह नहीं है, बस जरा मन नहीं लग रहा, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा। लेकिन क्यों? ठीक है, तुम मुझे नहीं बताओगे, मैं आज ही आई हूँ। एक आध दिन में मुझे पता चल ही जाएगा कि तुम्हारा माइंड कहाँ डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, वो कौन है और क्या है जिसकी वजह से हमें इतना नुकसान उठाना पड़ रहा है। बहुत बड़ी गलती कर दी है मैंने। बुजुर्गों ने सच ही कहा था कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, और फिर भी लेट आने पर हर बार कोई बहाना बनाना। आज वही मेरे गले में हड्डी बनकर फंस गई है। बैचलर अपना खाना खुद बनाना पड़ता है, और पता नहीं क्या क्या झूठ बोले मैंने। अंजलि को अगर पता चलेगा कि मैं शादीशुदा हूँ, 2 बच्चों का बाप हूँ, तो आज नहीं तो कल सच तो सामने आएगा ही। तब क्या होगा, अंजलि के दिल पर क्या गुजरेगी, मेरी फैमिली और मुझ पर क्या बीतेगी, ये तो मैं सोचते हुए भी डरता हूँ। अंजलि मुझे धोखेबाज समझेगी, मेरी नौकरी चली जाएगी, जेल भी हो सकती है। एक तो यूँ अजीब सी और सिरफिरी लड़की है। आप मुझे सब कुछ सच सच बता देना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी। मैं पहुंच रही हूं। हाँ, डोंट वरी। अच्छा लिसन, एक मिनट होल्ड करो। मेरी फ्रेंड एक जरा प्रॉब्लम है, मैं उसे जरा सॉर्ट आउट करके आती हूं, ठीक है? मैम वो क्या तुम्हें जल्दी जाना है? जाओ, ऑफिस में वो लोग हैं ना। नहीं, मुझे आपसे कुछ कहना है। एक मिनट होल्ड करो, संध्या मैं आ रही हूं। संध्या रोना बंद करो, ये सब प्यार करने से पहले सोचना चाहिए था। अच्छा मैं पहुंच रही हूं ना। मेरी फ्रेंड प्यार करते वक्त आंखें बंद करके प्यार करते हैं, और बाद में पता चला कि जिससे प्यार करती है वो ऑलरेडी शादीशुदा है, और इतनी पागल लड़की है कि अब भी चुप बैठी है। अगर इसकी जगह मैं होती ना, तो अब तक उस इंसान को मैंने पुलिस के हवाले कर दिया, जीना हराम कर देती उस इंसान को। ये मर्द हम औरतों को समझते क्या है? क्या लगता है कौन से जमाने में जी रहे हैं कि वो हम पे जुल्म करते रहेंगे और हम सहते रहेंगे? चलो छोड़ो, संध्या की प्रॉब्लम तो मैं उसके घर जाके सॉल्व कर ही लूंगी। तुम क्या कहना चाह रहे थे? नहीं यार, कुछ खास नहीं, राहुल की शादी तय हो गई बस। वाह, दैट्स अ गुड न्यूज़ मैम। हां, कांग्रेचुलेशंस। थैंक्स। सुबह से एक तो अच्छी खबर। हेलो। हां संध्या, मैं पहुंच रही हूं। तो पहुंच तो रही हूं ना मैं। संध्या को तो फिर भी अंजलि की जरूरत पड़ रही है, लेकिन अंजलि को तो किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने में। कहाँ फंसा दिया भगवान। हाँ पंडित जी, बताइए शादी के लिए कौन सा मुहूर्त निकाला आपने? अगले हफ्ते बुधवार का दिन ठीक रहेगा, शुभ मुहूर्त है। लेकिन शादी के लिए अगले हफ्ते, तो फिर ये सगाई का मुहूर्त? उसी दिन पहले सगाई कर दीजिएगा और बाद में शादी हो जाएगी। अक्षय तृतीया का दिन है, वो बहुत ही शुभ मुहूर्त माना जाता है ज्योतिष और गणित के हिसाब से। पूरे साल भर में अगर किसी लड़के या लड़की का विवाह का मुहूर्त न मिल रहा हो, तो उस दिन बगैर मुहूर्त देखे वो शादी कर सकता है। अब आप लोगों को विवाह की तैयारी शीघ्र शुरू कर देनी चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ लेकिन दिन तो बहुत कम है ना। हाँ भाव जी, पंडित जी ने तो तैयारी करने के लिए कुछ वक्त छोड़ा ही नहीं। अरे तैयारी क्या करनी है, भगवान का नाम लेकर शुरू हो जाते हैं, अपने आप सब कुछ हो जाएगा। कितना अच्छा लगेगा, एक लड़की उस घर से निकलकर इस घर में आएगी, और यहाँ की लड़की उस घर में जाएगी। क्यों बैठे, अब तो तुम खुश हो ना? अरे तुम्हारे दोनों बच्चों की शादी एक ही दिन और एक ही साथ हो रही है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.